इधर नारायणपुर के अबूझमाड़ के टेकमेटा में नक्सली ऑपरेशन खत्म हो गया है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जवान वापसी कर रहे हैं। 15 से ज्यादा जवान हेलीकॉप्टर से नारायणपुर पहुंचे। ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये देखें आप, ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद हुई है। ऑपरेशन में 10 नक्सली कल ही ढेर किए थे, 2 की शिनाख्त भी हो गई है। 2 नक्सली DVCM मेंबर जोगन्ना और विनय उर्फ अशोक हैं, जिनकी शिनाख्त अब तक हो पाई है। IBS 24 की टीम भी ग्राउंड जीरो, जहां ये मुठभेड़ हुई, वहां तक पहुंची है। नक्सल ऑपरेशन को लेकर ग्रामीणों से भी हमने बातचीत की है, उनके भी इस पूरे ऑपरेशन के बारे में क्या जानकारियां हैं वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें, जहां IBS 24 की टीम पहुंची, 10 नक्सली ढेर किए हैं। अगर बीते 2 महीनों के भीतर चले ऑपरेशंस की बात करें तो 100 के आसपास नक्सलियों को एक के बाद एक मुठभेड़ में ढेर किया जा रहा है। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 10 नक्सली जो कल मारे गए थे, इनमें से 2 की पहचान कर ली गई, दोनों DVCM के मेंबर बताए गए हैं, जोगन्ना, और साथ में एक अन्य नक्सली की शिनाख्त की जा चुकी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और आज ग्राउंड जीरो पर जब IBS 24 पहुंचा, ग्रामीणों से बातचीत की, लगातार हेलीकॉप्टर से और अन्य माध्यमों से जवान पहुंचकर नक्सलियों की मान में घुसकर सफाया कर रहे हैं। सरकार बार बार बातचीत का विकल्प खुला होने का दावा भी करती है, न्योता भी देती है कि हथियार छोड़ें, सामने आए बात करें, वरना नक्सलियों की सफाई के लिए अभियान लगातार जारी है। नक्सल नहीं तो गांव का ही पूरा, गांव का ही पूरा पत्नी है, उसको सब साफ है, खेती बाड़िया करता है, उसका पूरा घर दुआर है, उसका बाल बच्चा सब कुछ है। तो नक्सल करके मार दिया, उसको जांच करना है, और कितना आदमी मार के उसको मेरे वापस देना है, और कितना बचा है उसको लेके पकड़ के, उसको बचा कितना है उसको मेरे को दिखाना है, मेरे को मेरे आदमी छोड़ना है। समय एक आदमी को लगा, गिर गया, वो मर गया, गुजर गया, तब और भी नहीं सुनता था, मत मारो बोलता था, भी नहीं सुनता था, मारता था। हम लोग अभी साथ किया, अभी वो उसको कहाँ भी लेने लेके जाने से भी हम लोग लाश को लाने जाएगा, और इसका सच होना है, सही है बोलता था। नारायणपुर के टेकामेटा में मुठभेड़ के दौरान भालू के हमले में एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। IBS 24 संवाददाता अशफाक अहमद ने घायल जवान से बातचीत की है, सुनवाएंगे आप। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर पुलिस को ऑपरेशन के दौरान एक बार और बड़ी सफलता मिली है। इस बार जवानों ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान 10 माओवादियों को मार गिराया है। जवान जब वहां से ऑपरेशन करके वापस आ रहे थे तो एक मादा भालू ने जवान पर हमला कर दिया। STF का ये जवान बताया जा रहा है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंगल राम भंडा। अच्छा, कैसे घायल हुए आप, कैसे हमला हो गया? भालू हमला कर दिया। भालू ऑपरेशन के दौरान, वापसी के दौरान हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? सर, फायरिंग चल रहा था उस समय। आप लोगों की मुठभेड़ चल रही थी माओवादियों से और इस दौरान हुआ? अच्छा, कितने देर तकरीबन फायरिंग चली होगी मौके पर आप थे? 8 बजे से 2 बजे तक। और कितने माओवादियों को मार गिराया है आपने? बॉडीज भी रिकवर हुई है वहाँ पे? 10 बॉडी तो हमने अपने से ले लिए सर, अपने कब्जे में, और घायल भी हो गए होंगे नक्सल लोग, उसके बाद गए होंगे। ऑपरेशन के बाद ऐसा लगा कि बॉडीज रिकवर करने के बाद भी और भी माओवादी मारे गए होंगे? जनरली एनकाउंटर के बाद बॉडीज नक्सली ले जाते हैं, घायलों को ले जाते हैं, ऐसा था क्या? अपने साथी लोग तो बता रहे थे घायल जवान भी उधर भग रहे हैं, हम तो देखे नहीं। मैं उसी समय हमला कर ही दिया तो मैं पर लेटा हुआ। अच्छा, एकदम से आपके ऊपर हमला हुआ? अच्छा, बहुत ज़्यादा लगा है, कैसी इंजरी है सर? लगा है तो ज़्यादा ही। क्या भालू ने काटा है, पंजे से वार किए? काटा है सर, काटा है। के हमले से घायल हुए जिन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर जिला अस्पताल लाया गया है।
स्थिति सामान्य है। आप देख पा रहे हैं कि जवान बातचीत कर पा रहे हैं, पैर पे चोट आई है और भालू के पंजे से, माधो भालू के पंजे से यह हमला हुआ है। और फायरिंग के दौरान जो है अचानक माधा भालू ने हमला किया था। और नारायणपुर एसपी ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि शाम 4 बजे तक जो है वो बाकी जवान जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और मौके से जो मृत माओवादी जो है, जिसको मारा गया है 10 माओवादी, उनके शव को भी लाया जाएगा। फिलहाल जवान जो है अभी जंगल में ही है और वापस लौट रहे हैं। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर।